भैया चाय ये लीजिए। तो तेज पीते हैं मेरे पापा जी चाय, तेज में पत्ती तेज। ये रस ले लेना साथ में, चाय में डुबो के खाते हैं ना। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो ये देखिए मैंने दूध के साथ ये चार रस लिए हैं। आप पीछे देख सकते हो ये सामान, शटरिंग का जो सामान था उसका काम हो गया है। बाबू को गोदी में लिया हुआ है क्योंकि ये मेरे बिना रहता नहीं है, तो ये सामान रिटर्न में अभी शाम को ही करके आऊंगी। वरना पता है क्या होता है, पूरे एक दिन का किराया लग जाता है। अभी जितने दिन का हुआ है उस दिन उतने टाइम का हिसाब करके इस सामान से फ्री होते हैं। मैं शटरिंग स्टोर में आ गई हूँ। बच्चे तो बच्चे होते हैं, कब किस चीज़ की जिद कर ले पता नहीं चलता। तो रात के टाइम ना पराठा खिलाने की बहुत कोशिश की बाबू को मैंने, लेकिन इसको नमकीन खानी थी। स्टोर रूम में बार बार जाके कह रहा मुझे नमकीन दो नमकीन दो, और नमकीन ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं बची हुई थी। ना बिस्किट रखे थे ना नमकीन रखी थी। तो ये जब ये रोने लग गया, आंसुओं से रो रहा था, तो नानू आराम कर रहे थे यहाँ बेड पर लेटे हुए, उसी वक्त स्कूटी उठा के गए, कहा कि चलो दुकान से ले आते हैं। और ये सारे 10 10 20 20 20 20 रुपये के हैं, मोस्टली 20 20 रुपये की ये नमकीन अलग अलग तरीके के बाबू के लिए लेके आए थे। विहान ने बीका जी भुजिया खाई थी, नमकीन देख लो बाबू नमकीन कौन लेकर आया। रो रहे थे ना नमकीन नमकीन करके। नानू गए इतनी नमकीन लेट, देख लो रात को 10 बजने में 15 मिनट है, ले आए। इसके लिए दुकान बंद होने वाली थी। नमकीन खाना है, कौन सी वाली खोलू कौन बताओ, कौन सी खोलू, कौन ये खोल दूं? ये कौन ये वाली खोल देती हूँ। कौन इधर कौन इधर सिक्सटी सिक्स पॉइंट एट, फिर से चेक करूँ? देखो कितना गंदा हो रखा है अभी घर। आज तो बिल्कुल कुछ नहीं सफाई होनी, आज शाम तक कुछ काम होगा ना। हाँ 66.8 ही है। पापा जी चाय, मुझे छलनी नहीं मिली, मैंने सारी ढूंढ ली पूरे घर में, फिर ये नीचे बैठ जाएगी पत्ती, तो पी लीजिए। आज ना मैं संतरे का और ना अनार का मिक्स जूस पीऊंगी, और ट्रस्ट भी ये जूस बहुत अच्छा बना था। इसमें मैंने एक अनार ऐड कर दिया था और दो दो थे या तीन थे ऐसे संतरे थे, और मिक्स जूस ज़्यादा पसंद आया मुझे क्योंकि इसमें खट्टा मीठा सा बढ़िया टेस्ट आ रहा था। खाली अनार का जूस इतना बढ़िया नहीं लगता, मैंने पी के देखा है, वो अजीब सा थोड़ा कड़वा कड़वा सा लगता है खाली अनार का लो। और अगर संतरे का लेते हैं तो थोड़ा खट्टा खट्टा सा, बट अगर इसमें संतरा और अनार मिक्स कर देते हैं ना तो ये जूस बहुत बढ़िया जाता है। और अभी विहान सो रहा था, पापा जी जूस पीते नहीं, वैसे भी उनके जुकाम हो रखा है तो बोलते मैं नहीं ठंडी चीज लेता, बट मेरे भी हो रखा है। आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा मुझे इस टाइम जुकाम है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं पी लेती हूँ, मैं परहेज नहीं करती खाने पीने के। जैसे कहते हैं ना केला नहीं खाना चाहिए जुकाम में, मैं केला भी खा लेती हूँ, मैं दही भी खा लेती हूँ, मैं जूस भी पी लेती हूँ, मैं परहेज वहेज नहीं करती। और मैं कभी दवाई नहीं खाती हूँ, मेरे कभी भी मुझे याद नहीं है, मैंने आज तक कभी किसी बीमारी के लिए ना ऐसे ऐसा सच मैंने दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। बस हाँ विटामिन सप्लीमेंट्स जरूर ले लेती हूँ। सामान ना एडवांस में मंगवा के रख लो ना, चीज़ें तो काम ही आती हैं। कल जैसे पता है ये मैंने ऐसे ऐसे दो मंगवा के रख रखे थे एलईडी बल्ब, और ना मेरी रसोई का बल्ब फ्यूज़ हो गया, और भैया कर रहे थे काम रसोई में, तो वो एकदम से बोलते कि ना कुछ अंधेरे में कैसे काम करते। मैंने उसी वक्त देखो ये बदलवा दिया, लाइट की दिक्कत नहीं हुई। और पापा जी कह रहे थे इसको ना लाइट को, जैसे क्योंकि आप भी कहते हो ना कि ये ऊपर बन गई है, तो इसको अपॉइंट पापा जी कह रहे थे इधर कर लेंगे लाइट का कुछ टाइम बाद, फिर दिक्कत नहीं आएगी। इवन जो ये स्विचेज है ना यहाँ वाले, ये भी स्विचेस का पॉइंट इधर कर देंगे तो इधर का कोई ऐसा सच दिक्कत नहीं आएगी। और मैं कल दो टाइले और खरीद के लाई। मैं एक्चुअली पता है भैया बोलते हैं ना ये पूरी ये जो लाइन है ना यहाँ से यहाँ 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 पूरे में इस लाइन में अच्छी लगेगी, आप टाइल लगवाओगे। मैं आपको टाइल मैंने आपको दिखाई थी, ये ना कम पड़ रही थी, मैं 4 पीस लेकर आई थी ये 250 रुपए के ये वाले। पापा जी बाकी 2 पीस कहाँ रखे आपने? इधर रखे हैं वो 2 पीस टाइलों के साइड में, ये देखिए ये टूटे हुए पीस थे, ये रे देखिए है ना। तो इन्होंने ये 50 रुपए में ले आई मैं, मैंने कहा दे दो आपके किस काम के, दोनों देखो ये नीचे से टूटा हुआ है, मैंने कहा आपके तो बिकने भी नहीं है, मुझे दे दो। वैसे भी 250 300 250 250 रुपए तक 300 रुपए का ही आता है पूरा ये पीस, पूरा सेट 6 का आता है,
तो मैं 300 में मेरे 6 पड़ गई। अब ये इनका भैया तो अपना हिसाब से निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए कितना गंद मच रहा है। अब एक बार जो सारा काम कुम यहाँ से हो जाएगा ना, उसके बाद ये सारी अच्छे से प्रॉपर सफाइयाँ करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखो सारी जगह पे अभी तो कितना फैला हो रखा है ना। इसमें से जो कुछ टाइलें हैं संभाल के रख दूंगी इधर सीढ़ियों के नीचे, जो थोड़ी बहुत टूट फूट में कल को काम आ जाए, बाकी जो खराब है वो सब डिस्कार्ड कर दूंगी यहाँ से। और ये देखिए मैं ना यहाँ पे भी टाइलें लगवाना चाह रही थी, इतने इतनी जगह में। सोच तो मेरी अच्छी थी कि इधर इधर रोड टाइल लगा दूंगी थोड़ी सी, जो ये एरिया है ना यहाँ पे थोड़ा सा इतना इतना टाइल लगवा के ये थोड़ा साफ सुथरा सा रहेगा। बट मेरे पास टाइलें नहीं बची, अब देखो ना खत्म होगी। फिर मैंने सोचा फालतू में क्यों पैसा खर्चना, यहाँ झाड़ू ही लगा के वैसे ही सफाई कर दूंगी, उतना भी काफी है, इसे मैंने टाल कर दी। बाल पा रहे मम्मी, पानी भर लिया? मोटर बंद हो। अच्छा, यहाँ क्या उगा रखा है आपने? मम्मा ने यहाँ टमाटर उगा रखे हैं, ये देखो छोटे छोटे से, दिखा आपको ये हरा सा, ये छोटे छोटे टमाटर, यहाँ के टमाटर के पौधे उगा रखे हैं पूरे में साइड में। ये देखो पूरी लाइन आपको नजर आएगी, ये सारे टमाटर हैं इधर तक, ये सारे। मम्मी ने ये सारी ना जमीन पे भी, जैसे ना थोड़ा सा गड्ढा वगैरह था ना यहाँ पे सीमेंट रेती भर के, इसको भी ठीक करने लग रहे हैं ताकि पानी यहाँ इकट्ठा ना हो। मेरा ये इन्वर्टर ना काम नहीं कर रहा है इस टाइम, इसकी बैटरी डाउन हो गई है। एक्चुअली टाइल वाली उस दिन मशीन लगाई ना तो लोड पड़ गया, डायरेक्ट वाले कनेक्शन से चलानी चाहिए थी, इन्वर्टर के कनेक्शन से टाइल वाली मशीन चला दी थी, तो अभी ये डाउन हो गई है बैटरी, इसको चार्ज करना पड़ेगा। दुकान पे भेजूंगी क्योंकि चार्जर नहीं है मेरे पास बैटरी चार्ज करने का ना इन्वर्टर की, 1600-2000 रुपए का आता है। तो ये अब ऐसे डाउन नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन कभी कोई हैवी मशीन आप चला देते हो ना इन्वर्टर पे तब ये डाउन हो जाता है। तो अभी मैं ठीक इसलिए नहीं करवा रही हूँ, अभी मेरा लाइट इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है। लाइट जाती है तो मेरे घर की भी लाइट चली जाती है, क्योंकि अभी भी टाइल का काम होना है। तो मैं सोच रही हूँ बाद में ही देखूंगी इसको, बाद में ठीक करवा लेंगे। सुबह सुबह मैं नाश्ते में खाने लग रही हूँ केला, फ्रूट्स खाने जरूरी होता है, सुबह सुबह फ्रूट्स खाओ, दिन में खाना खाओ। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर में टोटल किया है, मतलब मेरा जितना भी खर्चा है देखिए सारा जो भी लगा ना, एक एक चीज मैंने लिख ली थी, नोट डाउन की थी कि कितना क्या लगा, तो कुल मिला के मेरा 17,000 रुपये तक का मतलब लगभग लगभग खर्चा बैठेगा। हो सकता है 500 रुपये फालतू लगा लो इसमें, 17,500 लगा लो है ना, इतने तक में मेरे ख्याल से काम पूरा हो जाएगा। तो इसमें मेरी 17,500 में ये मेरी रसोई भी तैयार हो जाएगी, और नहीं नहीं 18 ही लगा लो, मेरे को पुट्टी का सामान भी तो लाना है सच्ची है ना, 18,000। तो 18,000 क्योंकि अभी मेरे को पुट्टी भी तो करवानी पड़ेगी यहाँ पे, पुट्टी पेंट कुछ और सामान भी लाना है। तो टोटल कुल मिला के 18,000 रुपये में मेरी ये रसोई भी तैयार हो जाएगी, ये क्या बोलते हैं इसको, ये सारा भी प्लस्तर हो जाएगा 18,000 में, ये भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा 18,000 में। इसके अलावा मैंने वो पीछे के जो वो थे ये बताया था ना, मैं आपको दिखाई देती हूँ मैंने क्या क्या काम करवाया था। आप मैं दिमाग से मैंने बोला नहीं जा रहा, जुकाम हो रखा है ना, खोलना। ये देखो ये सीमेंटेड करवाया था, क्या क्या करवाया ओवरऑल काम। और इसके अलावा यहाँ बाहर का ये भी करवा लिया, हो जाएगा 18,000 में, ये भी यहाँ पे दो टाइलें लग जाएंगी। और ये देखिए ये जितना भी है ये सारा प्लेटफॉर्म तैयार करवाया है। और अगर मैं थोड़ी बहुत ईंटें लाऊंगी साइड की बॉर्डर बनाने के लिए, थोड़ी बहुत दो दो ईंटें भी लगाऊंगी तो भी लगा के चलो थोड़ा बहुत, वही 18,000 लगा लो है ना। तो इसके अलावा वो मम्मी के घर का भी थोड़ा सा मैंने वो पीछे का ठीक करवाया था और एक वो बनवाया था, मतलब इतना मैं इतना तो लग ही जाता है, आप समझ ही सकते हो। अपा जी सारा कुल मिला के आगे का इसका करके जो भी 18,000 का खर्चा बैठा है, 18,000 में स्लैब का भी ये सारा मिला के। हाँ अगर टाइल वाली मशीन का खरीद ही लेती तो ज्यादा सही रहती, 800 रुपए तो मेरा दिहाड़ी लग गई टाइल वाली मशीन के चार्ज के, और 1200-1400 की नहीं आती है मशीन। हाँ ना ना मैंने एक एक चीज लिखी, एक एक चीज मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है, मैंने सारी चीजें लिखी है, किराया 10-10 रुपए लिखे हैं मैंने, तो मिला के 18,000 का लग बना है मेरा बिल बैठा है पूरा इसका, घर का काम जो करवाया उसका। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने पहले ही सोच लिया था कि ना, पहले मेरे ऐसी आदत नहीं थी कि मैं एक एक चीज लिखूं, मुझे लगता था जितना लग रहा है खर्चा लगने दो, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मुझे पता तो चलना चाहिए ना। और आप लोग भी फिर कमेंट करके पूछते हो कि आपकी जो ये रसोई में स्लैब गिरी है इस पे कितना खर्चा आया, आगे का टाइलों का कितना आया सारा टोटल मिला के। मैंने कहा नहीं मैं एक एक चीज का आइडिया लिखूंगी कि कितने रुपए की क्या चीज आई, ताकि मुझे भी पता चले मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, कितने कहाँ पे लगे हैं, है ना। तो
करवाना तो था ही ये काम, है ना। वैसे भी देखो कितने खर्चे हम बाजार में जाते हैं, करते ही है, तो मेरे का एक बार लगे हाथों तो करवा लेते हैं खत्म काम। और इसमें एक खुशी की बात ये भी है, देखो एक खुशखबरी भी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि मैंने ये विजन बोर्ड बनाया था, है ना। इसमें मैंने दो बातें लिखी थी, शायद आपको यहाँ पे बैक कैमरे से दिखेगा ढंग से, कि रसोई में मुझे स्लैब गिरवानी थी, ये काम मेरा हो चुका है। एक आंगन थोड़ा सा पक्का करवाना था, ये काम हो चुका। और जो पीवीसी शीट वाली चीज थी वो मेरे को लगता है कि इस साल जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो सीलन का काम था वो तो मैंने वैसे ही अभी करवा ही लिया है, नया सीमेंट लगा के सारा ठीक करवा ही रही हूँ। अदरवाइज फिर भी दिक्कत आती है तो पीवीसी शीट साल के एंड तक लगवा लेंगे, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है, ये तो हम हटा भी सकते हैं, जरूरत पड़ेगी नहीं। जब ठीक ही करवा ली है ना, पेंट कर देंगे, हो जाएगा ठीक, ठीक है। इसके अलावा मेरे जितने भी गोल्स थे इसमें से मेरा आज वजन फिर से 66.8 ही आ रहा था, है ना। तो मेरा वजन जहां से शुरू की थी वहीं पहुंच गई, बढ़ गया था बीच में 68 आ गया था, तो ये वाला एम तो भी पता नहीं कब तक मेरा पूरा होगा। और जो लोन है मेरा 5 लाख का, वो मेरा लोन अभी अभी 5 लाख का ही है, मैंने इस महीने नहीं भरी किस्त, मैंने कहा था फरवरी एंड तक मैं भरूंगी, बट फिर मुझे लगा कि मैं ये सारा काम पहले करवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जून महीने तक का समय है किस्त भरने का, तो मैं मार्च में किस्त भर दूंगी, है ना, क्या टेंशन है। बल्कि आप ब्याज भर रहे हो तो ब्याज का फायदा तो उठाओ ना, अगर कोई आपको कह रहा है कि आपको इतने टाइम में पैसा भरना है तो आप जल्दी क्यों भर रहे हो, आराम से भरो और अपना और चीजों में पैसा लगाओ, है ना। तो वो मार्च में हो जाएगा, मार्च में मेरा ये लोन 4 लाख का रह जाएगा, है ना। तो अभी भी मेरे को मेरा दिसंबर तक का इस साल को मेरे को लोन को क्लियर करना है, तो मेरे पास अभी टाइम है, उन महीनों में मैं मेहनत करूंगी और ये लोन इस साल के आखिरी तक, ये सारा कर्जा 6 लाख रुपए का है, इसे खत्म करके हमें क्रॉस करना है इस महीने, ठीक है। बाकी हेल्थ पे भी मैं देखो फोकस कर रही हूँ अपना, मैं जूस वूस पी रही हूँ, है ना। यहाँ पे जो ये क्लोज था, किताबें मैंने अभी नहीं पढ़ी कुछ ज्यादा खास, एक भी बुक नहीं पढ़नी शुरू करी अभी, बुक्स भी नहीं पढ़ी, फिल्में मैंने 3 देखी थी और नहीं देखी, करेंगे इन सब पे काम करेंगे। 60 नई रेसिपी सीखनी थी, उसमें से 2 सीखी थी मैंने, एक चीला बनाना सीखा था मैंने बेसन का, और एक मैंने सूजी का उपमा बनाना सीखा था, उनको ही कंटिन्यू करते हैं अभी, प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से, फिर कुछ नया सीखेंगे इस साल। अभी ये सारी चीजें पूरी करनी है, फिर मेरे साथ पता है क्या होता है, मेरी लाइफ में चीजें होती है, देखो लोग ना लो फील करवाते हैं कि हाँ आपकी जिंदगी में ये नहीं है वो नहीं है, बस में जाती हूँ तो लोग तरस की नजर से देखते हैं, तरस खाते हैं आप पे, मतलब कोई कोई तरस खाता है, कोई चांस मारता है, मतलब ऐसे ही रहता है ना सुन के कि हस्बैंड नहीं है। तो इस चीज से ना फिर मतलब खुद पे ऐसी, मतलब कई बार सेल्फ पिटी वाली चीज में, सिंपति वाली चीज में अपने ऊपर नहीं करती, मैं सोचती हूँ कि मेरा फोकस नहीं थी सिर्फ और सिर्फ तेरे को लोग क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचती है, लोग क्या बात बनाते हैं, इन चीजों पर तुझे फोकस करना ही नहीं है, तेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तेरे गोल्स पे होना चाहिए, इन एम्स पे अगर तू अच्छे से अपना फोकस रखेगी तो कल को लॉन्ग टर्म में तेरा फायदा है, अपने फ्यूचर एम्स पे ही फोकस कर और किसी भी चीज पे अपना ध्यान मत रख भटका, अपने बच्चे की हेल्थ, जो जो तूने यहाँ लिखी है चीजें इनको पूरा कर देगी, सफल हो जाएगी इन चीजों में, तो खुशी तेरे को अपने आप अच्छा टाइम आ जाएगा, है ना लाइफ में। तो ठीक है जी, वीडियो लंबी हो रही है, मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।